हेलो गाइस, डिजाइन शो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकुल कुमार और आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ मैं शामिल हूं। सो यहां पर मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कैसे बेस्ट आरजीबी आप कलर्स को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कलर कहां पर परफेक्ट बैठते हैं और उसको कैसे ढूंढते हैं, सैचुरेशन, ल्यूमिन, हर एक चीज के बारे में डेप्थ में बात करेंगे। सो आपको मैं कुछ सोर्स भी दे दूंगा लिंक में, जहाँ से आप इन सभी को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल के थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक टेबल को यूज किया है एंड उसके ऊपर कुछ एक स्टैचू, लैम्प एंड एक पॉट है छोटा सा जिसमें एक प्लांट है। बाकी आप पीछे जो देख रहे हो कुछ मैंने लाइट्स को यूज किया है एंड एक वॉल का टेक्सचर है, बट यहाँ पर मैंने टेक्सचर को रिमूव कर दिया है। एंड अगर जो आउटकम क्या आने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सोर्स इमेज दिखा रहा हूँ। ये मैंने जस्ट ग्रुप में भी अभी भेजा था। अगर आप ग्रुप में नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप के, तो नीचे ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि मेरे जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। अगर जेन्युइनली आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ही आप अपना लाइक एंड अपना फीडबैक यानी कमेंट देना जरूर। तो यहाँ पर जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, कुछ आपको ऐसा आउटपुट मिलता है आपको इस स्केचअप मॉडल से। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, एक मैंने सीन भी यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ वो है लाइट के बारे में। तो लाइट जो होती है वो कैसे हम लोग वीरे के अंदर सेट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एसिड एडिटर के अंदर दिखाऊं। तो मैंने जो यहाँ पर लाइट चूज कर रखी है वो आपको मैं काउंट करवा देता हूँ। एक तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक लाइट ये है, दूसरा लाइट आप यहाँ पर देख पा रहे हो एंड तीसरा लाइट आप ये टॉप पर देख पा रहे हो। तो ये तीन लाइट है जिसमें से सनलाइट ऑफ कर रखा है मैंने। बाकी आप जो पीछे बैकग्राउंड में मटेरियल देख पा रहे हो वो एक टेक्सचर है, वीरे का ही मैंने ले रखा है। एंड आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ये कुछ टेबल के ऊपर ये एक लाइट रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन अगर आप सेम ऐसा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा जो कि मैंने वीरे का बनाया था। तो पार्ट नंबर 3 यानी कि वीरे BRDF सेटिंग, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है इस वीडियो के बाद, आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर कुछ ऐसा आपको टेबल के अंदर रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है। वो एक एडवांस वीडियो है जिसमें मैंने मैंने काफी कुछ वहां पर आपको बता रखा है उस एक सिंगल वीडियो में। सो हाँ, यहाँ पर हम चलते हैं अपने इस लाइट के कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको कुछ ऐसा लाइट देना है जैसा कि आपको यहाँ पर देखने में भी ये कुछ ओरिजिनल जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको पहले कलर कोड्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए कुछ ही कलर कोड निकाल के रखे हुए हैं, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और ये जो 7 टाइप्स के यहाँ पर कलर कोड है ये ही सबसे ज़्यादा यूज होता है लाइट को बनाने के लिए। आप ऐसी लाइट्स को ईजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इस आप रेंडर इमेज के अंदर देख रहे हैं, इस लाइट के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये पिंक वाला लाइट। तो ये जो सारे लाइट के कोड हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद इसका मैं एक रेंडर आपको लाइव करके भी दिखा देता हूं जिससे कि आपको बिलीव हो कि हाँ मैं ये लाइट यूज करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक लैंप नाम से एक बना रखा है फाइल जो कि यहाँ पर लाइट लगा रखी है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी लाइट को चेंज करता हूँ, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रेड में चाहिए, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और मैंने अभी आपको नोटपैड में भी दिखाया है, यानी कि नोटपैड में कौन सा लाइट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, 23 और 7474 ये आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर मैं एक बार टाइप कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं। तो 7474 यस। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइट है काफी यहाँ पर अच्छे से आपको देखने को मिल रहा है और इसकी जो शेडो है वो भी अच्छे से आ रही है। बट ये जो टेबल के ऊपर आप पॉलिश्ड ग्लॉसीनेस देख रहे हो, इसके लिए आपको पार्ट 3 मेरा देखना होगा वीरे का, तो वो आप जरूर जाकर देख लें इस वीडियो के बाद। तो अब आते हैं
बिल्कुल ऑफिशियली कितने टाइप्स के रियल में लाइट्स होते हैं एंड आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ओरिजिनल एक फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या यहाँ पर लाइट्स होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 मिलियन कलर्स की होती हैं, लेकिन आप कभी भी इस लाइट के अंदर ब्लैक लाइट को सेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से लाइट सेट होते हैं, तो जिसके ल्यूमियन यहाँ पर आपको लाइट मिलती है। अब इस लाइट ल्यूमियंस को देखने के लिए यहाँ पर आपके पास दो लिंक मिल जाती हैं, जिसमें से कलर स्कीम जनरेट करके नीचे आपको एक लिंक मिलेगी। वहां पर आपको कुछ ऐसा लिंक ओपन करने के बाद इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो आप कोई भी यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर ले। मान लीजिए कि ब्लू कलर की भी लाइट होती है, बिल्कुल होती है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ल्यूमियंस यहाँ पर एक मिल रही है। जितना आप ज्यादा जाते हैं उतना डार्क होता है, बट रियल में ऐसी कोई लाइट नहीं होती। लाइट वर्ड का मतलब ही है जो कि लाइट वेट हो। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे लाइट 67 इज बेस्ट इनफ, बट यहाँ पर कलर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैंने किया 73, सेचुरेशन को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा लाइटर रखना पसंद करूंगा। ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और RGB आपके पास जनरेट हो चुकी है। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 134 एंड 238 एक बार हम इसको भी ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम कलर पर जाते हैं, यहाँ पर हम टाइप करते हैं 138, फिर से 138 एंड एक और बार जाकर देख लेते हैं कलर कोड क्या था, 238। सो 238 यहाँ पर हिट एंटर करता हूँ और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे चेंजेस को। सो यहाँ पर एक बार मैं एंटर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप रियल लाइट को फील कर पाओगे। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कितना स्मूथ टोन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको सोर्स इमेज दिखाया था, तो यहाँ पर आप ये तरह तरह के लाइट्स इसमें लगा सकते हैं, बट उसके लिए कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम को पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर मैं लाइव आकर आपके प्रॉब्लम को रात में कोशिश करता हूं कि सॉल्व आउट कर लूं। सो यहां पर RGB आपकी इमेज ये है जो कि आप देख पा रहे हैं, RGB का कलर ये सेलेक्ट हुआ है। ये तो हो गई लाइट का कैसे करेंगे, तो सिंपली आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, कोई भी कलर को सेलेक्ट करते हैं, ल्यूमियन को 73 या इसके आसपास आप इसको सेट रखें, सैचुरेशंस को भी आप इसी के आसपास सेट रख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर कलर कोड आता है वो आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है अगर कोई भी क्लाइंट आपको बोलता है मल्टी कलरफुल आपको बल्ब यूज करने के लिए, तो लेकिन अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि जो स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ये नोट पे मतलब ये जो मैं नोटपैड पे लिख कर टाइप कर रखा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको नोट करके रख ले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर उसके बाद और भी चलते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि वॉल के कलर्स को कैसे सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपके लिए मैं एक और लिंक दे दिया हूँ, RGB कलर कोड चार्ट। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी कलर को डायरेक्टली सेट कर सकते हैं अपने वॉल के लिए, क्योंकि वॉल के कलर काफ़ी टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर आप कोई भी एक कलर को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर बात आती है किसी दो कलर को मिक्स करने के बाद क्या आता है, तो उसके लिए आप वीरे के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर प्लास्टिक में जाइए। प्लास्टिक में जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक यहाँ पर एक आपके पास आ जाता है। आप सिंपली इसको यहाँ पर ड्रैग करके लाएंगे और अगर मैं इसके एक्सटेंड करता हूँ एडवांस सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पर दो कलर को मिक्स करने के बाद जो कलर मिलता है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि एक आपकी RGB है, कुछ यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ ग्रीन टाइप की, तो आप यहाँ पर खुद से अपने माइंड से गेस कर पा रहे होंगे कि अगर मैं इन दोनों कलर को मिक्स करो तो कुछ आपके पास ऐसा रिजल्ट आएगा। तो वीरे आपको प्रॉपर इंटरफेस देता है ताकि आप यहाँ पर अच्छे से काम कर पाए अपने क्लाइंट के दिए हुए निर्देशानुसार। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना हमें ऑसम लुक देखने को मिल रहा है। सो सिर्फ आपको थोड़ी सी करनी है मेहनत एंड आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूअस देखें एंड आपका सपोर्ट काफी अच्छा मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।